विषय है मेरा धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव। याकूब 5:16 में लिखा है, इसलिए तुम आपस में एक दूसरे के सामने अपने अपने पापों को मान लो और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करो जिससे चंगे हो जाओ। धर्मी जन की प्रार्थना के प्रभाव से बहुत कुछ हो सकता है। ये वचन कहता है कि हम अपने पापों को एक दूसरे के सामने मान लें, उन्हें छुपाने और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, उन्हें छुपाए ना और एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। हमारे लिए बहुत आवश्यक है, जब किसी को किसी की गलती का पता चलता है तो उसका नाम खराब करने की सोचते हैं, गलतियों को दूसरों को बताते हैं। लेकिन बाइबल कहती है कि जब कोई अपने पापों को मान ले तो उसकी प्रार्थना, उसके लिए प्रार्थना की जाए, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ होता है। जब हम मसीह लोग ऐसे लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं तब सब कुछ ठीक होता है और हमारी प्रार्थना उनको परमेश्वर के नजदीक लाती है। इब्रानी 7:25 में लिखा है, अतः जो उसके द्वारा परमेश्वर के समीप आते हैं वो उनका पूरा पूरा उद्धार करने में सामर्थी है, क्योंकि वो उनके लिए निवेदन करने को सर्वदा जीवित है। तो इसलिए हमें प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। हमारी प्रार्थना सेवकाई के लिए सामर्थ प्रदान करती है, मसीह के पीछे चलने के लिए आत्मिक रूप से मजबूत बनाती है, शैतान पर विजय लाने में सहायता करती है। प्रार्थना इतनी शक्तिशाली होती है, इसलिए हमें बराबर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। आत्मिक वरदान प्राप्त करने में सहायता करती है, परमेश्वर की संगति में लाती है, अनुग्रह शांति और दया प्रदान करती है। प्रार्थना इतना सब कुछ करती है, परमेश्वर की इच्छा को स्पष्ट करती है। यदि हम प्रार्थना में लगे रहे तो परमेश्वर की इच्छा भी हमें पता पड़ जाती है। परमेश्वर आप परमेश्वर की संगति में लाती है, अनुग्रह शांति और दया प्रदान करती है। इफिसियों में लिखा है, हमारा संघर्ष मांस और लहू से नहीं परंतु उन प्रधानों अधिकारियों से अंधकार की संसारी शक्तियों से है। इस प्रकार परमेश्वर के अस्त्र शस्त्र धारण कर लो ताकि बुरे दिन का सामना कर सको और सब कुछ पूरा पूरा करके स्थिर रह सको। परमेश्वर की इच्छा को स्पष्ट करती है, परमेश्वर में बने रहना चाहिए और परमेश्वर से बराबर प्रार्थना में लगे रहना चाहिए, जिससे कि हमारी प्रार्थना सुनी जाती है और हम परमेश्वर के नजदीक बने रहते हैं। इसलिए परमेश्वर की इच्छा को हम जानते रहे और वो इच्छा हमें परमेश्वर से जब हम प्रार्थना में लगे रहेंगे तभी हमें मिल सकती है। हे प्रभु महाने पिता परमेश्वर, दयालु पिता, सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद हो प्रभु जी इस खूबसूरत वक्त के लिए, खूबसूरत समय के लिए कि आपने हम सबको इस जूम मीटिंग के द्वारा प्रभु जी भोर की प्रार्थना में आपने इकट्ठा किया। इस बड़े आशीष और रहम के लिए आए हैं प्रभु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हम सब जो इकट्ठे हैं प्रभु जी और आपको धन्यवाद करने के लिए बैठे हैं प्रभु जी, आप हम सबकी विनतियों को सुनने वाले पिता हैं, रहम करने वाले पिता हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी बच्चे छोटे बड़े और प्रभु जी जितने भी धार्मिक लोग प्रभु जी यहाँ सब हाजिर हैं प्रभु जी, वो सब आपसे विनती कर रहे हैं और आपका धन्यवाद कर रहे हैं प्रभु जी। हम सबकी विनतियों को सुनिए, क्योंकि प्रभु जी विनती से सब कुछ हो सकता है। विनती से प्रभु जी हमारी जिंदगियों में आशीष आती है, अनुग्रह आता है, हम आपकी अनुग्रह की सामर्थ्य की शक्ति से आगे बढ़ते हैं प्रभु महान। विनती सुनने वाले पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर एक काम पे प्रभु जी जो भी नेटवर्क प्रॉब्लम हो उस पे प्रभु जी अशांति से बचाइए प्रभु जी। सारा अनुग्रह और आशीष आपकी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हम सब के लिए प्रभु जी जितने भी हाजिर है प्रभु जी उन सबको आशीषित करने वाले पिता आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारी महिमा आदर आपको मिले, आपकी जय जयकार हो, आपकी हमदस्ताइश हो, आपके ही पवित्र प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन।